गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्दुनकर एक्स एस बी आई पी ओ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही शॉकिंग पर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आया। देखिए, अभी तक जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था, जो अटकलें थी, जो न्यूज़ सामने आ रही थी, उससे पता चल रहा था कि एल आई सी डब्ल्यू का तो रिक्रूटमेंट 100% आएगा, क्योंकि इवन ट्रेनिंग के दौरान भी जो हमारे लगे हुए जो एल आई सी से जो असिस्टेंट्स लगे हैं, उन्होंने हमें बताया था कि हमारे जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने हमें बताया था कि डब्ल्यू का इस साल नोटिफिकेशन आएगा तो और उसकी तैयारी करने लग जाएगी। तो उससे ये तो कंफर्म हो गया था कि एल आई सी डब्ल्यू का तो रिक्रूटमेंट आएगा ही आएगा। अब ये बोला जा रहा था क्योंकि इतने साल बाद एल आई सी असिस्टेंट 2019 में रिक्रूटमेंट आया, रिक्रूटमेंट भी 8,000 पोस्ट के लिए आया, तो बोला जा रहा था अब शायद तक 1-2 साल तक रिक्रूटमेंट ना आए। पर ये सारी बातें चेंज हो गई कुछ मिनटों पहले, और इसके लिए मैंने बात भी की, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, पर जिस तरह से सिनेरियो बन रहा है, एल आई सी असिस्टेंट 2020, एल आई सी असिस्टेंट 2020 का भी रिक्रूटमेंट रिलीज किया जाएगा इस साल, फिर से आएगा और फिर से अच्छी मात्रा में बच्चे लिए जाएंगे। जैसे इस साल राउंड अबाउट 8,000 वैकेंसीज रिलीज की थी, तो इस साल भी 8,000 की गई थी की जाएगी। और बोला जा रहा है क्योंकि इतने समय बाद 2019 में वैकेंसी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट क्रिएट हो चुका है, और इसको फिल करने के लिए एक साल में आप पूरा नहीं कर सकते, तो अब आने वाले 2-3 साल तक ये ईयरली आपके एनुअली ये रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया जाएगा। इसके तहत 19 में रिलीज़ हुआ था, जिसका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है, जो मेन लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं सभी ज्वाइन भी कर चुके हैं, काफ़ियों की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अब उनको पोस्टिंग भी मिल चुकी है, अब काम चल रहा है वेट लिस्ट पे। अब क्योंकि एल आई सी असिस्टेंट 2020 का रिक्रूटमेंट रिलीज करना है, तो वेट लिस्ट की भी डेवलपमेंट आप देखेंगे कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में आपके सामने न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, और जब भी कोई ऑफिशियल पता चलता है वो मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगा, वो अलग बात है। वेट लिस्ट वाले परेशान मत हो कि अगर एल आई सी असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आएगा तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, नहीं, आपका पहले किया जाएगा उसके बाद ही रिक्रूटमेंट आएगा। पर इसका ऑफिशियली कैसे, मतलब इसका सोर्स कहाँ पर है, क्या सोर्स था जिससे मुझे ऐसा लगा कि एल आई सी 2020 का रिक्रूटमेंट रिलीज किया जाएगा। देखिए, बहुत ही कमाल की चीज हुई, जो आपके एल आई सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी आपके सामने वही खोलने वाला हूं, ये रही आपकी एल आई सी की ऑफिशियल वेबसाइट। एल आई सी के हम करियर्स के सेक्शन में है, जहां पर अभी तक रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट 2019 टॉप लिंक चल रहा था, और उसके नीचे चल रहा था रिक्रूटमेंट ऑफ ईडीओ 2018-19। पर अभी कुछ मिनटों पहले ही एक जॉब डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में, रिक्रूटमेंट्स के सेक्शन में एक नया लिंक बना, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स 2020। और आप सभी को पता है, एल आई सी जब भी कोई नोटिफिकेशन रिलीज करता है, उससे पहले उसका रिक्रूटमेंट लिंक या उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो तैयार करता है, और ऐसा ईडीओ में हुआ भी था, ऐसा ईडीओ में हुआ भी था कि पहले ये बना था और उसके कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन आया था। अब अभी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, अभी तक इन्होंने सिर्फ लिंक बना के छोड़ा है, कोई पेज तैयार नहीं किया है, नोटिफिकेशन अभी तक बाहर नहीं आया है, तो एज सच कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं, पेज नॉट फाउंड मिलेगा आपको। पर ये संकेत करता है कि एल आई सी 2020 के लिए रिक्रूटमेंट तैयार कर रहा है, वो उसे ज़रूरत है, तो इस बार रिक्रूटमेंट रिलीज किया जाएगा। अब यार, रिक्रूटमेंट रिलीज कब किया जाएगा ये एग्जैक्टली बोलना पॉसिबल नहीं है, पहले इनकी कोशिश रहेगी। ऑल दो वेट लिस्ट वाले जो बच्चे जो सेलेक्ट होंगे और एल आई सी की जो रिक्रूटमेंट होगी, ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है, क्योंकि जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक के लिए पुराना साल का जो रिक्रूटमेंट है वेट लिस्ट के लिए वैलिड रहता है। एक बार नया, जैसे 2020 का जिस दिन ज्वाइनिंग का आएगा, उस दिन पुराना वाला जो रिक्रूटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, तब वेट लिस्ट का कोई मायने नहीं रहेगा। पर अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आई, नोटिफिकेशन आएगी फिर प्री, फिर मेंस, फिर प्रोसीजर, तो मान के चलिए साल भर का प्रोसेस है, तब तक ये वेट लिस्ट आपकी क्लियर कर देंगे, आप मत टेंशन लीजिए। सारी वेट लिस्ट पूरी की पूरी, जैसे मैंने बोली थी, ऑलमोस्ट पूरी वेट लिस्ट आपकी क्लियर होगी, मत टेंशन लीजिए। पर अच्छी खबर ये है, 2020 में एल आई सी असिस्टेंट का, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था डबल ए का आएगा और ए डी ओ का भी आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो उन्होंने उन्होंने खुद ने एल आई सी के ऑफिशियल्स ने कन्फर्म की थी ट्रेनिंग के दौरान, या फिर जब आप फॉर्मेलिटीज़ के लिए, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ गए थे तब भी बताया था, बाकी ट्रेनिंग में भी 1-2 बार बता दिया है असिस्टेंट्स को कि यार कुछ ही समय में ए डब्ल्यू का भी रिक्रूटमेंट इस साल आएगा, तो उसके लिए भी तैयारी करते रहिएगा,
उसका भी ध्यान रखिएगा। तो LIC असिस्टेंट 2020 ये एक बड़ी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है। 2019 लास्ट ईयर आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन वीडियोस लाए थे हम। नहीं ध्यान में है नए स्टूडेंट्स हो तो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्री और मेंस की इतने अच्छे से तैयारी की करवाई थी हमारे। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के LIC असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ था और उसका कारण यही था कि शुरुआत से एंड तक आपसे जुड़े हुए थे। और इस साल का भी टारगेट ये रहेगा, चाहे असिस्टेंट के लिए हो चाहे WO के लिए। अब आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं एक बार टेक्निकल सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, थोड़े से मॉक लाइव क्लासेस हम आपके लिए ले लें, जैसे हमें भी पता चल जाए कि यार लाइव का पूरा सिस्टम टेक्निकली साउंड है या नहीं है। फिर आगे से हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपके लिए लाइव क्लासेस रहें, एक सेट शेड्यूल रहे सभी कोर्सेज के लिए कि इस टाइम यही क्लास होनी है, इस टाइम ये लाइव रहेंगे, इस टाइम इस कोर्स के लिए लाइव रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है, थोड़ा सा वेट कीजिए और चैनल को थोड़ा ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा सपोर्ट दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी